अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आर्ट के बारे में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि जो आर्ट करना चाहते हैं, जो आर्ट जिनका पैशन है, पर सही गाइड ना होने की वजह से वो आर्ट में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आर्ट के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एक एक करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। सबसे बेसिक चीज़ कि जिसमें आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जैसा कि हमारे उस्ताद ने भी हमें सिखाया कि आर्ट शुरू करने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वो चीज़ आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि आपको सबसे पहले इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊँ कि जो आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या किसी भी एज के हों। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया तो आपको आर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब वो स्टेप क्या है उसको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आर्ट करना चाहते हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। पहले तो आप एक पेज ले लें। देखें, सबसे पहले तो आप एक शीट या एक सफ़ा ले लें। जैसे मेरे पास आप देखें ये स्केच बुक है, A4 साइज़ की भी मिल जाएगी या लीगल साइज़ की भी आपको मिल जाएगी, या कोई भी, अगर आपके पास स्केच बुक नहीं है तो आप कोई भी A4 साइज़ का प्रिंट पेज अपने सामने रखें। बेहतर ये है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह की शीट्स, कैंसिल शीट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये तकरीबन 40 रुपये की भी मिल जाती है, 20 रुपये की मिल जाती है, डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। स्केच ज़्यादातर मैं भी इन्हीं शीट्स पर करता हूँ या तो फिर स्केच बुक पर करता हूँ। तो इस तरह की आप एक शीट ले लें, ये स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप एक बोर्ड ले लें। ये देखें, ये बोर्ड है, इसके तो मैंने काम किया हुआ है, इस वजह से इस पर कलर लगा हुआ है। ये बोर्ड भी आपको, ये लकड़ी का बोर्ड आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, जिसे हमारे यहाँ उर्दू बाज़ार में तमाम आर्ट का मटेरियल मिलता है। तो आपके यहाँ भी जो करीबी बाज़ार हो, चाहे आपकी रिहाइश लाहौर में हो, मुल्तान में हो, हर जगह पर उर्दू बाज़ार या इस तरह के दूसरे बाज़ार होते हैं जहाँ स्टेशनरी का या आर्ट का सामान आसानी से अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस तरह का बोर्ड लेते हैं तो उस बोर्ड के हिसाब से आप इस शीट को, उस बोर्ड के हिसाब से आप इस शीट को बीच से काट दें, क्योंकि ये बोर्ड के साइज़ की हो जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर 4 शीट में काटेंगे, इसको क्वार्टरली काटेंगे तो भी मसला नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बड़ी सी शीट लें, आर्ट पेपर लें, उसको बीच से फोल्ड करें और उसको आसानी के साथ काटें। अच्छा, बच्चे जो हैं वो ये काम भरोसे करवाएं कैंची से या कटर से। आर्ट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको लेनी तो पड़ेगी। जैसे ये चार्ट शीट्स आप ले लें, कैंसिल पेपर शीट होती है, ये तकरीबन 30-40 रुपए की आपको मार्केट से मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये बोर्ड ले लें, ये बोर्ड वाटर प्रूफ होता है, बहुत काम का होता है। मेरे ख्याल है इसकी कीमत भी 200-300 होगी। फुल शीट बोर्ड शायद 400 रुपये का होगा और हाफ शीट बोर्ड मेरे ख्याल है तकरीबन 250 रुपये का। आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है और पहली मरतबा आप आर्ट का डेमो ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तो अपने बच्चे के लिए या अपने लिए कोई भी सिंपल सी पेंसिल ले लें। देखिए, आर्ट के लिए, स्केचेस के लिए कई तरह की पेंसिल्स आती हैं, जिनके नंबर्स होते हैं HB 1B 2B 3B 8B 9B तक होती है। तो ये जो नंबर्स, जैसे मैंने कहा 1B 2B 3B 4B, ये जितने नंबर्स आप आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी लेड इतनी मोटी होती जाती है, वो स्केच में या लिखने में और ज़्यादा डार्क हो जाती है। 4B 8B 9B ये बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल है। तो फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि पहली क्लास के लिए आप बच्चों को 1B 2B लेकर दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक आम सिंपल सी पेंसिल भी अगर आप इसके लिए यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आज आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट स्टेप है। अब आप लोगों को करना है, चलें अब हम डेमो की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपना बोर्ड तैयार कर लिया है। इस बोर्ड के ऊपर हमने अपनी हाफ शीट को टेप की मदद से लगा दिया है। देखिए, आर्ट के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए।
जैसे सबसे पहले टेप पेंसिल्स के अलावा, फिर कुछ क्लिप्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक अदद कटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनके ज़रिए आप शीट्स पर आसानी से काम कर सकते हैं। कटर शीट्स काटने के लिए भी काम आएगा, और इसके अलावा पेंसिल को बनाने, पेंसिल को शार्प करने के लिए भी आपको ये काम आएगा। टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शीट को एडजस्ट करने के लिए आपको टेप की ज़रूरत पड़ती है। टेप के साथ साथ आपको क्लिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपकी शीट को मजबूती से थामे रखती हैं, और जब आप काम करते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, हवा से आपकी शीट आगे पीछे नहीं होती, तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं, हमारी पहली क्लास, फर्स्ट ट्यूटोरियल। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को सबसे पहले जो पेंसिल दें तो वो 2B या 3B दें। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम जो ये आज पहला स्टेप करने जा रहे हैं, इस स्टेप में अगर बच्चों के पास बहुत ज़्यादा पतली पेंसिल होगी जो रेगुलर हमें दुकानों पे मिल जाती है, तो आप उसको शॉप करेंगे तो उसकी निब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और बच्चे जब इस ट्यूटोरियल को करेंगे तो वो बार बार उस निब को तोड़ेंगे या इस पेज को फाड़ देंगे, इस पेज में होल्स कर देंगे, तो ये पेज के लिए भी नुकसानदेह है और पेंसिल के लिए भी नुकसानदेह है, कि पेंसिल बार बार ज़ाया होगी। तो अगर उसकी लेट थोड़ी सी मोटी होगी, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं शेडिंग के लिए पेंसिल यूज़ करता हूँ वो लोग, ये बेहतरीन पेंसिल है, ये तो 8B है, बहुत ज़्यादा इसकी लेट मोटी है। तो अगर जैसे मैं इससे अगर आपको ट्यूटोरियल देता हूँ, तो आप देखें कि इससे जो मैं लाइन लगा रहा हूँ वो बनस्बत एक रेगुलर पेंसिल के बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है। तो आप बच्चों को बेहतर होगा कि पहली क्लास में कोई ऐसी पेंसिल शॉप करके दें जिसकी लेड थोड़ी सी मोटी हो, ताकि उनको ये ट्यूटोरियल करने में आसानी हो। देखें अब हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन स्टार्ट। चलें अब हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ है। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है किसी आर्ट के अंदर, वो होती है कि आर्टिस्ट लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। आर्टिस्ट के जो लाइन लगाने का अंदाज है, आर्टिस्ट की जो लाइन है वो किस तरह से आ रही है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाएं, तो उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको कुछ हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद लेट्स सपोज कि अगर आप गिलास बनाने जा रहे हैं, तो ये एक आपने गिलास का शेप बना लिया, ठीक है, पहले ही। तो फिर उसको आप इस तरह से बनाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों को इस तरह की शीट दें, या जो आप आर्टिस्ट हैं तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपनी लाइंस को मजबूत करें। आप एक शीट लगाने के बाद ऊपर से स्टार्ट करें और कॉर्नर तक आप कोशिश करें कि ये यहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा लें कि आपको ये लाइन जो कि आपको ये लाइन जो ड्रॉ करनी है वो आपको यहाँ तक जाना है। अब आप लाइंस लगाना शुरू करें, वन बाय वन। जब आप इस तरह से लाइंस लगा कर इस पेज को आप पूरा फिल कर दें, नीचे तक आप आ जाएं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने के बाद आप वर्टिकल लाइन लगाएं, ठीक है। वर्टिकल लाइन में आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से शुरू करना है और आपको कॉर्नर तक यहाँ तक जाना है। आपको इस पेज को इस कदर ब्लैक करना है कि आप ये समझें कि आपके बालों की तरह ब्लैक हो जाए, आपकी लाइंस की प्रैक्टिस इस कदर ज़्यादा हो जाए। जब आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपनी लाइंस लगा लें, उसके बाद राइट टू लेफ्ट आपको तिरछी लाइन लगा लें इस तरह से। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपका पेंसिल पकड़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, आप आगे से पकड़ें, पीछे से पकड़ें। असल में तो जब आप स्केच या पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपकी पेंसिल की निब ऐसी नहीं होती, ठीक है।
आपको निब बनानी पड़ेगी कटर की मदद से, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा क्या तरीका होता है और इसके बाद आपको क्या फ़ायदे होते हैं। देखें, जब आपकी निब 1 इंच या 2 इंच की आप बनाते हैं, स्लेट को आप 2 इंच का बनाते हैं, उसके बाद जब आप कोई स्केच करते हैं तो ये लेट जो होती है ये इतनी पतली होती है कि आपको बैक साइड पे भी नज़र आ रहा होता है कि आपको कहाँ पर शेड करना है कहाँ पर नहीं करना। अब क्योंकि फ़िलहाल हम सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट इस तरह से लाइन लगाएंगे और नीचे आते जाएंगे, स्पेस को पूरा फिल करेंगे। इसी तरह फिर आप राइट टू लेफ़्ट लाइंस लगाएंगे और ऊपर तक स्पेस को पूरा फिल करेंगे। जब ये आप कर लें देन इसके बाद आपको लाइंस लगानी हैं इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट लाइंस लगानी है। अच्छा, ये तो मैं गैप के साथ लगा रहा हूँ, आपको गैप नहीं देना, आपको गैप नहीं देना, आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप कोई शेप बना रहे हैं, लेट सपोज कोई आप झोपड़ी बना रहे हैं तो ये देखें किस तरह से आप झोपड़ी बनाएंगे, ठीक है, आपकी लाइंस जो है वो किस तरह से आपका साथ देंगी झोपड़ी बनाने में, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, आगे हम जब प्रैक्टिस कर चुके हों तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइंस कितनी बेहतर होगी। आपकी लाइंस जिस कदर आसानी से आप लगा पाएंगे, जितनी अच्छी और सीधी होंगी आपको ड्राइंग करने में इतनी आसानी होगी। एक बात आप याद रखिए, हमारे उस्ताद भी हमें कहते हैं कि पेंटिंग के अंदर आपको कोशिश करें कि रेजर और स्केल यूज़ ना करें, बस ये पेंसिल जो है ना यही आपका स्केल है, यही आपका रेजर है, आपकी आँखें, आपका व्यू, यही आपका स्केल है, यही मेजरमेंट करने की असल चीज़ है। आपको अपनी आँखों के ज़रिए सही तरह से देख कर चीज़ों को मेजर करना है और उनको ड्रॉ करना है। जब आप इस पेज को मुकम्मल ब्लैक कर दें, ऐसा ब्लैक के जैसा आपके बाल हैं, तो इस प्रैक्टिस के बाद मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ों को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, हमारे उस्ताद हमें ये बताते हैं कि ये एक जादू है, इस जादू के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप रोज़ाना ये प्रैक्टिस करेंगे और जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपकी लाइंस मजबूत हो जाएंगी, इसके बाद आप कम से कम हफ्ते में एक मरतबा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके आर्ट के अंदर इस वजह से खूबसूरती नज़र आएगी। मैं समझता हूँ ये बेसिक पॉइंट है। अच्छा, देखें, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, छोटे से जो बच्चे होते हैं 1-2 साल के, तो उनको अक्सर शौक़ होता है, वो पेंसिल पकड़ के इस तरह से या इस तरह से वो करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे उस्ताद ये भी कहते हैं कि हमें बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के हाथ मजबूत होते हैं और बच्चों को पेंसिल पकड़ना और ड्रॉ करना आसान हो जाता है। जितनी मजबूत वो पेंसिल चलाएंगे अपने पेज के ऊपर, चाहे वो जो भी बना रहे हैं, जैसी भी लाइंस लगा रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूल के लिए जाएंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि जब वो अपनी मशक करेंगे, अलिफ लिखेंगे या बे लिखेंगे, या अगर कोई ड्राइंग करते हैं या ड्राइंग में कलर करते हैं, तो दूसरे बच्चों की नस्बत जिनको घर में इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती या रोका जाता है कि वो पेज को ख़राब ना करें या पेंसिल को यूज़ ना करें, तो उन बच्चों की नस्बत ये बच्चे ज़्यादा अच्छा पेंसिल चला लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कि आपके हाथ में मजबूती होनी चाहिए, आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जिसने इस ट्यूटोरियल को समझा तो उसने बड़ा फ़ायदा उठाया। अच्छा, एक बात और आप याद रखिए कि आप जब हॉरिजेंटली या वर्टिकली लाइन लगा रहे हैं तो आपकी लाइन जब आप एक सीधी लाइन लगा लें तो आप उसको बैक ना लें, आप बस कोने पे जाके उसको रोक दें, फिर आप हाथ उठाएं और फिर आप तो लेफ्ट से राइट आएं, ठीक है, आपको पेंसिल चलाते हुए पीछे नहीं आना, इस बात का ज़रूरी ख्याल रखें, क्योंकि आप जब भी ड्राइंग करते हैं तो आप वन से एक लाइन लगाते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि आप फिर पीछे जाते हैं, एक वाइट लाइन लगाते हैं, इस तरह से आप पूरा एक खाका बनाते हैं। तो ये आज बहुत ही हमारी बेसिक क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है किसी आर्टिस्ट के लिए कि जो आर्ट करना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, खासकर बच्चों के लिए,
जवानों के लिए भी कि अगर वो इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो वो अपने आर्ट में यकीन बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बेहतर चीज़ें सिखाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को सीखने की कोशिश करेंगे, देन 1.2 पॉइंट परस्पेक्टिव और बहुत कुछ है आर्ट में सीखने के लिए। अच्छा, मटेरियल हमें कौन सा चाहिए ये नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आज आपको बताया, आपको शीट्स की ज़रूरत है, ठीक है, आपको पेंसिल्स की ज़रूरत है, आपको कटर की ज़रूरत है, आप अपने पास टेप ज़रूर रखें, कुछ क्लिप्स ले लें। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको पेंसिल बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।